हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक हियर। आपको जैसे शायद से पता होगा, अगर आप दिल्ली में रहते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो रही है और टेम्परेचर इज़ ड्रॉपिंग डे बाय डे। अभी 7-8 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का। तो हमें एक कॉल आया था जिसमें द गाय टोल्ड अस, द रिपोर्टर टोल्ड अस कि उन्होंने एक इजिप्शियन वल्चर देखा है। उनकी छत के ऊपर एक इजिप्शियन वल्चर है। एंड वी वर शॉक्ड कि पहली चीज़ कि उसको इतना अच्छे से कैसे पता है कि वो इजिप्शियन वल्चर है, क्योंकि इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग फॉर एवरीबडी टू नो अबाउट देम। वी टोल्ड हिम कि हमें एक फ़ोटो भेजो ताकि हमें पक्का हो सके कि वो वल्चर है या नहीं या कौन सा बर्ड है। और हमने ऑलरेडी रेस्क्यूअर को बता दिया, आकाश द रेस्क्यूअर, ही इज़ अ वेरी गुड रेस्क्यूअर। और वो एकदम से जाकर तो उसने उसको रेस्क्यू कर लिया। और उसके बाद जब हमने वीडियो में देखा, वी वर रियली शॉक्ड। तो उसमें एक बहुत बहुत ही सुंदर इजिप्शियन वल्चर है जो कि खड़ा हुआ है एक छत के ऊपर और कोशिश कर रहा है अपने पंख सुखाने की, पर बारिश पड़ रही है और वो पूरी, उनको नहीं पता था वो कितने टाइम से वहाँ पर रहा है। एंड द वीडियो वॉज सो इम्पैक्टफुल। इजिप्शियन वल्चर्स आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स। वो इतने ज़्यादा कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ डाइक्लोफिनैक इन द प्रोडक्ट्स। और जितने भी गाय हैं, जितना पोल्ट्री है, जितने कैटल्स हैं, उनमें बहुत सारे स्टेरॉइड यूज़ करते हैं हम। डाइक्लोफिनैक इज़ ऑल्सो यूज उसमें ही। तो इस वजह से डाइक्लोफिनैक जब इंजेक्शन देते हैं किसी गाय को ताकि वो ज़्यादा दूध दे, वो मरने के बाद उसको वल्चर खा लेता है और उसके बाद वल्चर को डाइक्लोफिनैक पॉइजनिंग हो जाती है। एंड दैट्स हाउ ऑल ऑफ देम हैव डाइड। बस 2 से 3% वल्चर्स बचे हैं इंडिया में। तो उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, उनको नियरली एक्सटिंक्ट भी बोल सकते हैं आप। इंडिया के काफ़ी सारे वल्चर्स हैं जो कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग बहुत हार्ड, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कॉल। तो इन्होंने हमें एक और चीज़ बताई कि ये पूरे दिन से ट्राई कर रहे हैं काफ़ी लोगों को कि ये बताने के लिए कि देयर इज़ अ बर्ड, देयर इज़ अ वल्चर मेरे घर के ऊपर। पर काफ़ी सारे NGOs took the call एंड दे डिनाइड। आई डोंट नो होगी कोई प्रॉब्लम। तो मेरे पास उन्होंने बोला कि सर आपका कम से कम 10वां NGO होगा और ऐसे ऐसे करके। पर ही हैज सीन माई वीडियो ऑफ वल्चर एंड दैट्स हाउ ही न्यू कि वो इजिप्शियन वल्चर है। हम उसको जैसे ही लेकर आए, उसका भी सेम हालत थी। उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई थी, उसको सर्दी लगी हुई थी, वो गीला था, बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम था। वी वॉज स्कैर्ड कि उसको हाइपोथर्मिया ना हो जाए। हाइपोथर्मिया वो कंडीशन होती है बॉडी की जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वी केप्ट आर हीटर्स रेडी, आर ब्लोअर्स रेडी, ग्लूकोज भी एकदम रेडी था। हमें सबसे ज़्यादा टेंशन होती है एक वाइल्ड एनिमल्स के साथ कि उसकी बॉडी शॉक में ना चली जाए, कि मतलब वो घबरा जाते हैं क्योंकि हम उनको पकड़ते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि उनकी बॉडी शॉक में ना चली जाए। तो यू हैव टू लेट देम बी कंफर्टेबल, उनको कंफर्टेबल आपको रखना पड़ेगा, वरना उन वो घबरा जाएंगे एंड दे कैन डाई ईजिली आउट ऑफ इट। तो जब मैंने उसको बाहर निकाला, उसकी उंगली एक थी जिसका एक नाखून टूटा हुआ था और नाखून की वजह से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन फिंगर का जा चुका था और इट वॉज स्टिल ब्लीडिंग। का हो सकता है कहीं पर उसका फंस गया हो उड़ते हुए या फिर कुछ। उसका खून रुकना बहुत ज़रूरी था। सो वी ट्रीटेड हिम फॉर दैट। फर्स्ट उसका खून रोका हमने और साइड बाय साइड वी मेक श्योर कि उसका सारा पानी हम सुखा दें। वी क्लीन हिम आप अच्छे से हीटर्स वगैरह लगा कर आराम। तो हमने उसको सब कुछ करके वी गेव हिम बहुत अच्छे से एक प्राइवेट जगह ऑफ हिज ओन। अंधेरे में हमने उसे शांति से रख दिया, उसका एक छोटा सा सेटअप बनाकर, और वो एकदम शांत हो गया। रात को थोड़ा सा टेंशन थी काफ़ी सारा ही, तो मैं देखता रहा बीच बीच में जा जा कर, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वल्चर ना। आई कुडंट इवन स्लीप प्रॉपरली। अब क्वेश्चन था कि अगले दिन अगर उसने फ्लाइट नहीं ली, अगर वो रिलीज नहीं हुआ, अगर वो उड़ने लायक नहीं हुआ, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसको खाने की ज़रूरत पड़ती। उसका पेट एकदम अच्छे से भरा हुआ था पहले, वो कहीं से खा कर ही आया होगा, तो उसके पेट में खाना था।
तो इसलिए हमने सोचा नहीं कि उसको इतनी आईवी और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, ट्रिप वगैरह की ज़रूरत होगी। पर अगर वो नेक्स्ट डे नहीं उड़ा तो उसको कुछ खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। पूरे दिन बारिश होती रही, वी वेटेड अनटिल दोपहर को, और अगर वो दिन रिलीज़ नहीं होता वो तो उसको शिफ्ट ही करना पड़ता हमें। वी आर एक्सपेक्टिंग कि बारिश अब रुकेगी अब रुकेगी, तो फाइनली बारिश रुकी और एकदम से धूप निकली और हमारा वल्चर एकदम प्रॉपरली एक्टिव था तब। तो वी टुक हिम टू द पार्क, और ये जो पार्क है ये कनेक्टेड है टू द फॉरेस्ट एरिया, बहुत अच्छे से एक फॉरेस्ट लाइन है। और यहाँ पार्क में हमने ऊपर एक बार स्पॉट किया था एक इजिप्शियन वल्चर उड़ता हुआ। सो वी थॉट कि ये एक अच्छी जगह है उसको उड़ाने की, और वल्चर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ऑब्वियसली उड़ने के लिए। और वाइल्ड एनिमल को जितना जल्दी आप रिलीज़ कर दोगे वो उतना ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए भी और उसके लिए भी, वरना उन वो कुछ भी कर सकते हैं, डर से कुछ भी हो सकता है उनके साथ। कभी कभार वो अपना वो भागने की कोशिश करते हैं तो पंख में चोट आ जाती है व्हेन दे आर इन अ केज और बॉक्स और समथिंग। तो रिलीज़ करना बेस्ट है।